जैन संकल्पना में आज हम लोग अनुवांशिक संकेतों के बारे में पढ़ेंगे कि इनकी खोज कैसे हुई और ये कितने प्रकार के पाए जाते हैं और इनकी विशेषताएं क्या है, और इसी प्रकार से प्रोटीन संश्लेषण किस प्रकार से होता है, उसके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो जीन संकल्पना या जीन कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने जीन्स के बारे में पढ़ा, रासायनिक रचना की दृष्टि से सभी जीन्स डीएनए से निर्मित होते हैं और ये डीएनए जब प्रतिकृत होते हैं या डुप्लीकेट होते हैं या द्विगुणित होते हैं तो उनके सांचे पर मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है और ये मैसेंजर आरएनए ही मैसेज लेकर के या सूचना लेकर के साइटोप्लाज्म या जीवद्रव्य में जाता है, जिसके अनुसार फिर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन के निर्माण के लिए जो आवश्यक सूचना डीएनए में निहित रहती है उसी को हम आनुवंशिक संकेत कहते हैं। आनुवंशिक संकेत जो नाइट्रोजनी क्षारों के रूप में, उनके क्रम के रूप में डीएनए में लिखे रहते हैं और तीन नाइट्रोजनी क्षारों का एक क्रम एक कोडॉन कहलाता है, जो एक अमीनो एसिड को पढ़ने के लिए काम में आता है। तो इस प्रकार से एक कोडॉन ट्रिपलेट नाइट्रोजनी क्षारों का एक क्रम है और बहुत सारे कोडॉन मिल करके एक श्रृंखला बनाते हैं जिनको हम जेनेटिक कोड या आनुवंशिक संकेत कहते हैं। जो सूचना डीएनए के ऊपर लिखी रहती है वही सूचना मैसेंजर आरएनए के द्वारा साइटोप्लाज्म तक जाती है। तो ये जो आनुवंशिक संकेत है इनकी खास बात या इनकी विशेषताएं हैं कि ये ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं। ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं किसी किसी अमीनो एसिड को पढ़ने के लिए एक से अधिक कोडॉन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम कोडॉन या जीन्स या कोड डीजेनरेसी कहते हैं। कोड अप्लासिता अंग्रेजी में जिसको कहते हैं डी जेनेरेसी। कोड असंदिग्ध होते हैं, कोड या जेनेटिक कोड जिसको हम कह रहे हैं सार्वत्रिक होते हैं, किसी भी जीव में यदि हम देखें तो सभी जीवों के अंतर्गत जो जेनेटिक कोड होते हैं उनको वो एक विशेष अमीनो अम्ल को ही पढ़ने के लिए काम में आते हैं। ये किसी जीव विशेष में परिवर्तित नहीं होते। जैसे कि एक उदाहरण लिया जाए कि ए यू जी जो प्रारंभिक कोडॉन है ये सभी जीवों में मिथियोनिन नामक अमीनो एसिड को कोड करता है, चाहे वो मनुष्य हो या कोई अन्य जीव, इसलिए कोड जो है सार्वत्रिक होते हैं। कोड नॉन ओवरलैप होते हैं, अर्थात कि एक कोडॉन का जो नाइट्रोजनी क्षार है वो दूसरे अमीनो एसिड को या उसके नेक्स्ट जो कोडॉन है उसको पढ़ने के लिए काम में नहीं आता। इसी प्रकार से कोडॉन्स जो है वो विशेष प्रकार के होते हैं, जिसमें आरंभिक कोडॉन होते हैं या प्रारंभिक कोडॉन होते हैं। प्रारंभिक कोडॉन
और समापन कोडा। समापन कोडॉन। किसी भी जेनेटिक कोड के प्रारंभ में कुछ ऐसे कोडॉन्स होते हैं जो क्रिया की शुरुआत करते हैं, जिसमें ए यू जी प्रमुख है, जो कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का आरंभन करता है और अंतिम में इस जेनेटिक कोड के अंत में या मैसेंजर आरएनए के अंत में कुछ ऐसे कोडॉन्स होते हैं जिसके कारण पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बनना या उसका समाप्त होना इंगित करता है, जिसमें कि यू ए ए, यू ए जी और यू जी ए, ये तीनों कोडॉन समापन कोडॉन के नाम से जाने जाते हैं, जिनको पहले नॉनसेंस कोडॉन्स भी कहा जाता था। मतलब ये कोडॉन जहाँ पर भी हैं इसका अर्थ है कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला वहाँ पर समाप्त हो जाती है, और ए यू जी जहाँ पर भी शुरुआत में है, जिस भी सिस्ट्रॉन के शुरू में है वहाँ से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला आरंभन करती है। इस प्रकार से अनुवांशिक कोड जो है वो नाइट्रोजनी क्षारों के विशेष क्रम होते हैं। तीन तीन नाइट्रोजनी क्षारों का एक क्रम एक विशेष अमीनो एसिड को पढ़ने के लिए काम में आता है। एक कोडॉन से एक ही अमीनो एसिड पढ़ने के लिए काम में आता है। कुछ ऐसे भी अमीनो एसिड्स होते हैं जिनके लिए एक से अधिक कोडॉन का इस्तेमाल किया जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं कोड डीजेनरेसी। कोड असंदिग्ध होते हैं, उसमें किसी शंका की बात नहीं होती कि ये अमीनो एसिड को पढ़ने के लिए काम में आएगा या नहीं आएगा, ये बिल्कुल डेफिनेट है, फैक्ट है, क्योंकि ये प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया गया है, खोज किया गया है। कोड सार्वत्रिक होते हैं, मतलब जो कोड होते हैं, कोडॉन्स होते हैं, वो एक ही प्रकार के होते हैं और हर जीव में उनके द्वारा एक विशेष अमीनो एसिड को ही पढ़ने के लिए काम में लाया जाता है। जैसे कि उदाहरण अपन ने पढ़ा कि ए यू जी से मिथियोनिन, ए यू जी से मिथियोनिन नामक अमीनो एसिड को कोड किया जाता है या पढ़ा जाता है, जो सर ही जीवों में एक ही प्रकार का होता है। इसी प्रकार से एक कोड जो है वो दूसरे कोड के साथ मिक्स नहीं होता, ओवरलैप नहीं होता। कोडॉन्स कुछ ऐसे होते हैं जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का आरंभन करते हैं, और कुछ कोडॉन्स रहते हैं जो कि समापन भी करते हैं। इस प्रकार से ये जो जेनेटिक कोड है या अनुवांशिक संकेत है, इनकी खोज के लिए नीरनबर्ग और मथाई, मार्शल नीरनबर्ग और मथाई नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले खोज की। उन्होंने एक कृत्रिम अनुवांशिक संकेत बनाया, मैसेंजर आरएनए बनाया, और उस मैसेंजर आरएनए के द्वारा उन्होंने एक कृत्रिम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण किया। तो मार्शल नीरनबर्ग और मथाई के अनुसार, मार्शल नीरनबर्ग और मथाई, इन्होंने सबसे पहले, जो ये दोनों ही जैव रसायन के ज्ञाता थे, और उन्होंने अपने प्रयोग से जो मैसेंजर आरएनए बनाया था उसमें केवल एक ही प्रकार के संकेत थे, और उसको नाम दिया उन्होंने पॉली यू, पॉली यू। मार्शल नीरनबर्ग और मथाई, फिर इस पॉलीयू को उन्होंने एक ऐसे तंत्र में रखा जिसमें कोशिका नहीं थी, लेकिन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाने के लिए या प्रोटीन के निर्माण के लिए या एंजाइम के निर्माण के लिए सभी आवश्यक तत्व वहाँ मौजूद थे, और साथ में एटीपी भी मौजूद था। एटीपी के कारण जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। तो कोशिका रहित तंत्र में उन्होंने इस पॉलीयू को रखा। पॉलीयू मतलब ऐसा मैसेंजर आरएनए जिसमें सारे नाइट्रोजनी क्षार यू प्रकार के ही,
यू शुगर, यू शुगर और फॉस्फोरस, इस प्रकार से यू 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 शुगर फॉस्फोरस फॉस्फोरस फॉस्फोरस। तो सारे नाइट्रोजन चार्ज चूंकि यू थे, यूरेसिल ही था केवल नाइट्रोजन चार्ज, तो उसको उन्होंने नाम दिया था पॉली। तो इस पॉली यू के द्वारा उन्होंने देखा कि एक ऐसी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनी जिसमें सारे के सारे अमीनो एसिड फिनाइल एलेनिन थे, फिनाइल एलेनिन। तो इस प्रयोग से उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि तीन नाइट्रोजनी क्षारों का क्रम यानी यू 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 जो कि एक कोडॉन है, इसके द्वारा फिनाइल एलेनिन को कोड किया जाता है। इसी प्रकार से उन्होंने इस प्रयोग को दोहरा के देखा तो फिर से उन्होंने देखा कि जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनी छोटी सी, उस पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में केवल फिनाइल एलेनिन ही थे। तो इस प्रकार से उन्होंने एक कोड की खोज की, कोडॉनों की खोज की, जेनेटिक कोड की खोज की, और सबसे पहला जो कोडॉन देखा गया वो यू 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 था। और उसके आधार पर उन्होंने फिर से आगे कोशिश की तो दो दो नाइट्रोजनी क्षारों को लेकर के उन्होंने एक कोड बनाया, परंतु दो दो नाइट्रोजनी क्षारों को यदि कोड किया जाए तो केवल सोलह कोडॉन बनते हैं, यू सी ए और जी, यू सी ए और जी। इस प्रकार से उन्होंने जब कॉम्बिनेशन किया दो दो नाइट्रोजनी क्षारों का तो कुल मिलाकर के ये फर्स्ट कोडॉन, ये सेकेंड कोडॉन, ये यू ए और ये हो गया यू जी। इसी प्रकार से सी यू, सी सी और सी ए, इसी प्रकार से ये हो गया सी जी। इसी प्रकार से ये ए यू, ए सी और ए ए और ए जी, इसी प्रकार से जी ए, जी सी सॉरी जी यू, पहला जो आएगा वो है जी यू, जी यू, जी सी, जी ए और जी जी। तो कुल मिलाकर के केवल 16 कोडॉन प्राप्त हुए जो कि 20 अमीनो एसिड को पढ़ने के लिए काफी नहीं थे। तो मार्शल नीरनबर्ग और मथाई ने आगे चल करके उसके लिए, और डॉक्टर खुराना इस काम में उन्होंने मदद की, जिसके द्वारा फिर ट्रिपलेट कोडॉन का क्रम चला, मतलब तीन नाइट्रोजनी क्षारों का कॉम्बिनेशन किया गया और उस आधार पर लगभग 64 कोडॉन्स बने, और उन 64 कोडॉन्स की सहायता से 20 अमीनो एसिड्स को आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो इसी प्रकार से हम चार्ट बना करके, जिसमें पहला हिस्सा हमारा फर्स्ट नाइट्रोजनी फर्स्ट बेस का होता है, फर्स्ट नाइट्रोजनी क्षार का, ये दूसरा नाइट्रोजनी क्षार, और इसके बाजू में यदि हम लिखें तो तीसरा नाइट्रोजनी क्षार के द्वारा हम तीन तीन नाइट्रोजनी क्षारों का कोडॉन बना सकते हैं, और उसके आधार पर जिसमें लगभग 61 कोडॉन्स का इस्तेमाल नाइट्रो एक अमीनो एसिड्स को पढ़ने के लिए काम में लाया जा सकता है। 20 अमीनो एसिड्स को पढ़ने के लिए 64 कोडॉन्स पर्याप्त होते हैं, जिसमें से कई कोडॉन्स जो है, तीन कोडॉन्स जो है वो समापन कोडॉन होते हैं, नॉनसेंस कोडॉन होते हैं जिनसे किसी भी प्रकार के अमीनो एसिड को कोड नहीं किया जाता। बाकी 61 कोडॉन्स जो होते हैं वो 20 अमीनो एसिड्स के लिए काम में लाया जाता है, पढ़ने के लिए काम में लाया जाता है। इस प्रकार से मैसेंजर आरएनए के ऊपर लिखित या निर्देशित नाइट्रोजनी क्षारों का वह क्रम
जिसमें कि एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को निर्मित करने के लिए अमीनो एसिड्स के जुड़ने का क्रम निर्धारित रहता है या संकेत के रूप में लिखा रहता है, वह अनुवांशिक संकेत कहलाता है। इन्हीं अनुवांशिक संकेतों के कारण या उन्हीं अनुवांशिक संकेतों के आधार पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है और उसी प्रोटीन के द्वारा जीवों में एंजाइमों का निर्माण होता है और उन्हीं एंजाइमों के द्वारा उपापचयी क्रियाएं संपन्न होती है और उन्हीं उपापचयी क्रियाओं के द्वारा जीवों में विभिन्न प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। इस प्रकार से जीन अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं या अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करते हैं। तो ये प्रोटीन संश्लेषण किस प्रकार से होता है और इसके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, ये अपन लिखेंगे। प्रोटीन संश्लेषण में जो प्रमुख अभिक्रिया है वो दो चरणों में चलती है। पहली क्रिया जो है वो ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है और दूसरी क्रिया ट्रांसलेशन या अनुलिपिकरण कहलाती है। प्रोटीन संश्लेषण के पहला है अनुलेखन, जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, और दूसरा है अनुवाद या अनुलिपिकरण, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। और ये ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया है ये कई चरणों में चलती है कि वास्तव में अनुवाद का मतलब ये नहीं कि हिंदी से जैसे इंग्लिश में ट्रांसफ़र किए, यहाँ अनुवाद का मतलब होता है कि जीन के जो सूचना है उसको हम श्रृंखला के रूप में या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के रूप में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं या बदल रहे हैं। तो सबसे पहले क्रिया है ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए के ऊपर जो सूचना लिखी रहती है उसके द्वारा मैसेंजर आरएनए के विभिन्न प्रकार के आरएनए के जो निर्माण की जो प्रक्रिया है वो अनुलेखन कहलाती है। विभिन्न प्रकार के आरएनए, आरएनए तीन प्रकार के होते हैं। आरएनए जो पहला प्रकार होता है वह है मैसेंजर आरएनए, दूसरा होता है ट्रांसफर आरएनए, तीसरा होता है राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो मैसेज लेकर केंद्रक से कोशिका द्रव में जाता है, ट्रांसफर आरएनए जिनके ऊपर लिखे हुए कोड के अनुसार अमीनो एसिड्स को मैसेंजर आरएनए तक लाया जाता है, और राइबोसोमल आरएनए ये राइबोसोम्स के साथ जुड़े रहते हैं और प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण के कारखाने कहलाते हैं। राइबोसोम्स जो सेल्स में पाए जाते हैं ये हैं प्रोटीन संश्लेषण के कार खाने, फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पर कि प्रोटीन निर्मित होता है, और ये प्रोटीन एंजाइम के रूप में जब काम करता है तभी उपापचयी क्रियाएं संचालित होती हैं। तो ये तीनों प्रकार के राइबोसोम्स, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए का निर्माण डीएनए से ही होता है और ये क्रिया कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में अपन ने पहले भी थोड़ा पढ़ा था, जब डीएनए का द्विगुणन होता है तो डीएनए का अणु खुल करके दो भागों में बढ़ जाता है, दोनों सप्लीमेंट्री या उसके कॉम्प्लीमेंट्री तंतु अलग हो जाते हैं और उसके खांचे पर, उसके सांचे पर पहले आरएनए प्राइमर का निर्माण होता है। यदि हम इसको चित्र के रूप में देखें तो ये डीएनए का मुख्य अणु होता है और टूटने के बाद
ये सांचा निर्मित करता है। इस सांचे पर, दोनों तरफ के सांचे पर 5, 3, 3, 5, ये दो प्रकार के स्ट्रैंड्स या तंतु होते हैं। एक को हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं और एक हम लेजिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इनके सामने इनका जो सांचा बना है या खांचा बना है या टेम्पलेट बना है, उसके ऊपर सबसे पहले मैसेंजर आरए निर्मित होता है। और ये मैसेंजर आरएनए जो है, आरएनए प्राइमर या प्रारंभिक या इनिशियल आरएनए कहलाता है। और फिर इसके ऊपर डीएनए के अणु निर्मित होते हैं। तो जब डीएनए के अणु निर्मित हो जाते हैं तो इन आरएनए को एंजाइमों की सहायता से हटा दिया जाता है। और फिर ये आरएनए जो कि डीएनए द्वारा निर्मित हुए हैं, ये आरएनए साइटोप्लाज्म केंद्र से निकल करके साइटोप्लाज्म में जाते हैं और साइटोप्लाज्म में फिर अपना काम करते हैं। तो इसमें जो पहली प्रक्रिया होती है ट्रांसलेशन की या अनुलिपिकरण की जो प्रक्रिया होती है, वो सबसे पहले अमीनो अम्ल का सक्रियण, दूसरी क्रिया होती है सक्रिय अमीनो अम्ल का ट्रांसफर आरएनए से जुड़ना, तीसरी क्रिया होती है मैसेंजर आरएनए का राइबोसोम से जुड़ना, चौथी प्रक्रिया होती है पॉली पेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभ, पांचवी क्रिया होती है पॉली पेप्टाइड श्रृंखला का दीर्घीकरण, फिर श्रृंखला का समापन, श्रृंखला का मोचन। अनुलिपिकरण या ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया है, उसमें सबसे पहली प्रक्रिया है अमीनो अम्ल का सक्रियण। अमीनो अम्ल जो कि कोशिका द्रव्य में और केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं, वो कुछ एंजाइमों की सहायता से सबसे पहले सक्रिय किए जाते हैं। और इस कार्य में एटीपी या एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो ऊर्जा देने वाले पदार्थ होते हैं, वो सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।
तो सबसे पहले जो अमीनो अम्ल का सक्रियण है उसके लिए एक विशेष प्रकार का एंजाइम वहाँ पर भाग लेता है, उसका नाम है अमीनो असाइल सिंथेटेस या अमीनो असाइल एडिनिलेट सिंथेटेस या अमीनो अम्ल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेस एंजाइम, जो कि अमीनो एसिड्स को सक्रिय करने का काम करता है। और ये जो सक्रिय अमीनो एसिड है ये कहलाता है अमीनो असाइल एडिनिलेट। यदि हम इसको समीकरण के रूप में लिखें अमीनो अम्ल प्लस एटीपी एमिनो एसाइल एडिनिलेट सिंथेटेस। एमिनो एसाइल एडिनिलेट सिंथेटेस इसको आप जो कॉम्प्लेक्स बनता है अमीनो एसिड और एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ अमीनो एसाइल एडिनिलेट सिंथेटेस एंजाइम की उपस्थिति में वो है सक्रिय अमीनो अम्ल, या फिर दूसरे शब्दों में हम इसको कहते हैं अमीनो एसाइल एडिनिलेट एमिनो एसाइल एडिनिलेट। ये कॉम्प्लेक्स है जो कि एटीपी के साथ अमीनो एसिड कोई भी प्रकार का जो अमीनो एसिड है वो सबसे पहले सक्रिय हो जाता है, और उसके लिए एक विशेष प्रकार जोड़ने वाला जो एंजाइम है वो सिंथेटेज एंजाइम होता है, जिसकी उपस्थिति में जो अमीनो अम्ल निष्क्रिय रूप में साइटोप्लाज्म में या कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं अब वो प्रोटीन संश्लेषण के रेडी हो जाते हैं या तैयार हो जाते हैं। जब ये अमीनो एसिड सक्रिय हो जाते हैं उसके पश्चात सक्रिय अमीनो अम्ल का ट्रांसफर आरएनए से जुड़ना, वे विशेष प्रकार के ट्रांसफर आरएनए से जाकर के जुड़ जाते हैं। वहाँ पर भी एक एंजाइम जो कि सक्रिय अमीनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए से जोड़ने का काम करता है, जैसे कि नाम से लग रहा है अमीनो या एक्टिव अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेज वहाँ पर काम करता है। तो यदि हम इसको समीकरण के रूप में लिखें अमीनो एसाइल एडिनिलेट या शॉर्ट में जिसको हम एक्टिव अमीनो एसिड या सक्रिय अमीनो अम्ल कहते हैं, ये भी एटीपी की सहायता से ट्रांसफर आरएनए से जाकर के जुड़ जाता है, और इसके लिए भी अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेटेस एंजाइम काम करता है, जिसकी सहायता से अब एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसको हम कहते हैं एक्टिव अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स, एक्टिव या सक्रिय अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स जो है अस्थाई होता है, ये ध्यान रखेंगे कि ये एक दूसरे से टाइटली नहीं जुड़े रहते हैं,
अन्यथा जब ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए के पास उन अमीनो एसिड को पकड़ कर ले जाएगा तो वो एक दूसरे से पृथक नहीं हो पाएंगे, इसीलिए ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये अस्थाई कॉम्प्लेक्स होता है। तो अमीनो एसाइल एडिनिलेट, जिसको हम सक्रिय अमीनो एसिड कहते हैं, एटीपी की सहायता से ट्रांसफर आरएनए से जाकर जुड़ जाता है सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में और एक अस्थाई कॉम्प्लेक्स बनाता है। फिर ये कॉम्प्लेक्स जो है अगली प्रक्रिया में मैसेंजर आरएनए से जाकर के जुड़ जाता है। तो मैसेंजर आरएनए से जुड़ने के से पहले जो मैसेंजर आरएनए है वो स्वयं सक्रिय होता है और जाकर के राइबोसोम्स से जुड़ जाता है। तीसरी जो प्रक्रिया है या तीसरा चरण अनुलिपिकरण का या ट्रांसलेशन का, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के रूप में जो जेनेटिक कोड का ट्रांसलेशन हो रहा है, अनुवाद हो रहा है, उसमें तीसरी प्रक्रिया में मैसेंजर आरएनए सबसे पहले राइबोसोम्स के छोटे सब यूनिट से जुड़ता है। जैसे ये मैसेंजर आरएनए है तो सबसे पहले राइबोसोम्स का छोटा सब यूनिट मैसेंजर आरएनए के श्रृंखला के सामने से जुड़ जाता है और ये क्रिया जो है वो मैग्नीशियम आयन, इसके लिए ज़रूरी है मैग्नीशियम आयन्स जो हैं वहाँ पर बहुतायत से उपस्थित हो, तभी उसके राइबोसोम्स के दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ते हैं। जो बड़ा सब यूनिट होता है वो ऊपर जाकर के जुड़ जाता है और इसमें दो साइट होते हैं या दो जगह होती है, एक को कहते हैं ए साइट और दूसरे को हम कहते हैं डी साइट। इसको एक्सेप्टर साइट कहते हैं, ए साइट को एक्सेप्टर साइट कहते हैं और इसको डोनर साइट कहते हैं। जो छोटा सब यूनिट होता है वो मैसेंजर आरएनए का जो सबसे पहला कोडॉन होता है जो कि होता है ए यू जी, वहाँ पर जाकर जुड़ जाता है और इस ए यू जी के अनुसार अब जो सक्रिय अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स बना है वो ट्रांसफर आरएनए पहले प्रकार का ए यू जी के अनुसार, ए यू जी के द्वारा जिस भी अमीनो एसिड को कोड किया जाता है उस कोड के अनुसार सबसे पहले वो लाएगा मिथियोनिन। ए डी साइट पे जो ला रहा है वो मिथियोनिन को लाएगा। मिथियोनिन जो कि जिसमें कि फॉर्मिल ग्रुप जुड़ा रहता है, फॉर्मिल ग्रुप जुड़ा रहता है इसलिए उसको कहते हैं फॉर्म ग्रुप, फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन। फॉर्माइलेटेड मिथियोनिन सबसे पहले ट्रांसफर आरएनए के साथ आ करके इस राइबोसोम्स के डी साइट पर जुड़ जाता है और जो ए साइट होता है उस पर के दूसरा ट्रांसफर आरएनए दूसरे कोड को ला करके जोड़ देता है। सबसे पहले जो मिथियोनिन है वो श्रृंखला के सबसे पहले, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के सबसे पहले या सबसे पहला अमीनो एसिड होता है। फिर जब वो ट्रांसफर आरएनए मिथियोनिन को ला करके जोड़ देता है तो ये जो राइबोसोम है ये आगे खसक जाता है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा रहेगा सी यू जी, तो अब ये कोड, ये राइबोसोम सेकेंड कोड पर आ जाता है। सेकेंड कोड पर आने पर ए साइट का जो मिथियोनिन है वो डी साइट पर खसक जाता है। मिथियोनिन ए साइट पर आएगा ना, मिथियोनिन जो है वो ए साइट से डी साइट पर खसक जाता है और सेकेंड कोड के अनुसार जो दूसरा ट्रांसफर आरएनए है वो अगले अमीनो एसिड को पकड़ के लाएगा ए साइट पर। और दोनों ही प्रकार के जो अमीनो एसिड है, पहले में और दूसरे में, दोनों प्रकार के जो अमीनो एसिड से उनके COS समूह और NH2 समूह के बीच में एक बंध बनता है जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड बंध। NH2 समूह और COOS समूह, इन दोनों के बीच में बनने वाले बंध को हम कहते हैं पेप्टाइड बंध। और इसी बंध के कारण ही जो श्रृंखला है वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कहलाती है या पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाती
है क्योंकि इसमें बहुत सारे पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे जैसे राइबोसोम्स आगे खसकते जाते हैं, ए साइट का जो चेन है, ए साइट के जो अमीनो एसिड्स है और डी साइट के अमीनो एसिड से जुड़ते जाते हैं और श्रृंखला जो है वो पीछे की ओर बाहर निकलती जाती है। जैसे ही ये स्थान खाली होता है, अगला राइबोसोम का जो यूनिट है, दोनों सब यूनिट, छोटा सब यूनिट जो लगभग 30S टाइप का होता है और बड़ा सब यूनिट जो है वो 50S का भी हो सकता है और 70S टाइप का भी हो सकता है, तो दोनों ही सब यूनिट आकर के मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से एक मैसेजर आरएनए के ऊपर कई राइबोसोम्स चिपके हुए रहते हैं। यदि इनको साइटोप्लाज्म में देखा जाए तो छोटा सब यूनिट नीचे, बड़ा सब यूनिट ऊपर, उसके साथ एक श्रृंखला, उसके आगे उससे बड़ी श्रृंखला, फिर उससे आगे उससे बड़ी श्रृंखला, जो सबसे आगे जो राइबोसोम होगा उसमें सबसे लंबी श्रृंखला होगी क्योंकि वो सबसे पहले पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाना आरंभ किया है। तो इस प्रकार से श्रृंखला के लंबाई और उसमें उपस्थित जितने अमीनो एसिड्स हैं उनके आधार पर इस मैसेंजर आरएनए की जो लंबाई है या जो उसका आरंभक सिरा या अंतिम सिरा, इसकी पहचान होती है। जिधर छोटे चेन युक्त राइबोसोम्स होते हैं वो शुरुआती सिरा होता है और जिधर बड़े श्रृंखला वाले राइबोसोम्स होते हैं वो पीछे की ओर या आगे की ओर अग्रसर होते दिखाई देते। जब ये राइबोसोम्स श्रृंखला के इन मैसेंजर आरएनए के लास्ट में पहुंचते हैं में, तो वहां पर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के लिए कुछ ऐसे कोडॉन्स होते हैं जिनको हम समापन कोडॉन्स कहते हैं। सबसे पहले मैसेंजर आरएनए राइबोसोम से जुड़ा, राइबोसोम से जुड़ने के बाद श्रृंखला जो है वो प्रारंभ हो जाती है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनना प्रारंभ हो जाती है। फिर वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाती है श्रृंखला जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला वो लंबी होती जाती है, दीर्घ हो जाती है, बड़ी होती जाती है और जब लास्ट में जहाँ पर कि तीन समापन कोडॉन्स पाए जाते हैं UAA, UAG और UGA, जैसे ही ये लास्ट में पहुँचते हैं इन समापन कोडॉन्स की सहायता से श्रृंखला का समापन हो जाता है और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला कुछ एंजाइमों की सहायता से राइबोसोम से पृथक कर दी जाती है जिनको हम मोचक या रिलीज्ड फैक्टर कहते हैं। R1 और R2 ऐसे रिलीज्ड फैक्टर होते हैं जिनकी सहायता से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो कि राइबोसोम से जुड़ी हुई है उसको पृथक कर दिया जाता है और जो राइबोसोम्स के दो सब यूनिट होते हैं वो भी एक फैक्टर या एक कारक के कारण पृथक कर दिए जाते हैं और उसमें वो फैक्टर होता है F3 फैक्टर। श्रृंखला का मोचन और समापन जो है वो R1 और R2 के कारण होता है, वो वास्तव में एक प्रकार के एंजाइम ही हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को राइबोसोम से अलग करने का काम करते हैं। जब श्रृंखला का मोचन हो जाता है या रिलीज्ड हो जाते हैं उसके पश्चात अंत में उसका मॉडिफिकेशन होता है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के दो सिरे होते हैं, एक N सिरा होता है और एक सिरा होता है सी सिरा। एन सिरा, एन हिस्सा, जिधर NH2 समूह होता है वो एन सिरा होता है और जिस तरफ COO एस समूह होता है वो सी सिरा होता है या सी एंड होता है। दोनों तरफ से कुछ विशेष प्रकार के अमीनो एसिड्स को हटा दिया जाता है, यानी छटनी की जाती है, कटिंग छटिंग किया जाता है और फिर शेष पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को एंजाइम के रूप में या फिर प्रोटीन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कोशिका के द्वारा। इस प्रकार से अनुलिपिकरण की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबी चलती है। पहले अमीनो एसिड सक्रिय होते हैं, फिर सक्रिय अमीनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए से जोड़ा जाता है, ट्रांसफर आरएनए से
जुड़े रहे जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो भी कोड के ट्रांसफर आने के ऊपर लिखे हुए कोड के अनुसार ही जुड़े रहते हैं। यदि AUG जो कि आरंभक कोडॉन है AUG, ये मैसेंजर आरएनए के ऊपर लिखा रहता है, तो इसके अनुसार जो ट्रांसफर आरएनए लिखा होता है उस ट्रांसफर आरएनए के ऊपर उसका विपरीत कोडॉन रहता है और उस कोडॉन को हम कहते हैं एंटी कोडॉन। ट्रांसफर आरएनए के ऊपर लिखे हुए कोडॉन्स एंटी कोडॉन्स कहते हैं। तो ट्रांसफर आरएनए के ऊपर AUG के लिए होता है, ए के लिए होता है यू, और यू के लिए होता है ए, और सी के लिए होता है जी। इस प्रकार से UAG ट्रांसफर आरएनए के ऊपर लिखा रहता है एंटी कोडॉन, और इसी एंटी कोडॉन के अनुसार ट्रांसफर आरएनए सबसे पहले मैसेंजर आरएनए के ऊपर लिखे हुए AUG के लिए अमीनो एसिड्स को पकड़ करके लाता है, तब तक के साथ में ये प्रक्रिया चलती रहती है। मैसेंजर आरएनए से राइबोसोम्स के दोनों सभी यूनिट जुड़ते हैं, जैसे ही जुड़ते हैं उसके पश्चात एंजाइमों की सहायता से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का आरंभन हो जाता है, और श्रृंखला आरंभन होने के बाद पोली राइबोसोम्स बनने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। राइबोसोम्स आगे खसकते जाते हैं और श्रृंखला लंबी होती जाती है, और जैसे ही श्रृंखला लास्ट में या मैसेंजर आरएनए के अंत में पहुंचती है वहाँ समापन कोडॉन्स की सहायता से उनको उनका निर्माण खत्म कर दिया जाता है या उनका निर्माण बंद हो जाता है, और फिर उनको मैसेंजर आरएनए से हटा करके उनका रूप बदला जाता है या उनको मॉडिफाइड किया जाता है। इस प्रकार से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण के रूप में जेनेटिक कोड का अनुवाद होता है या ट्रांसलेशन होता है, और दो चरण मतलब ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन और अनुलिपिकरण, ये दो स्तरों में प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इसके जो प्रमुख बिंदु हैं उसमें सबसे खास बात अमीनो एसिड्स को सक्रिय होना है। तो जब सक्रिय हो जाता है, सक्रिय होने के बाद वो तुरंत अमीनो एसिड्स ऐसे ट्रांसफर आरएनए, ऐसे मैसेंजर आरएनए के पास जाते हैं जिसमें उनके अनुसार ही कोड वर्ड लिखे हुए होते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म में कई प्रकार के मैसेंजर आरएनए होते हैं एक ही अणु का वहाँ पर। हालांकि सभी अणु डीएनए के प्रतिकृत नहीं होते, डुप्लीकेट नहीं होते, ट्रांसक्रिप्ट नहीं होते, सभी डीएनए के अणुओं का ट्रांसक्रिप्शन एक साथ नहीं होता है, जिसकी आवश्यकता जब पड़ती है तभी उस डीएनए के अणुओं का ट्रांसक्रिप्शन होता है या अनुलेखन की प्रक्रिया होती है। तो जब अनुलेखन की प्रक्रिया होती है उसके जस्ट बाद अनुलिपिकरण की प्रक्रिया होती है। तो कई प्रकार के मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में तैरते हुए पाए जाते हैं और उनके अनुसार अलग अलग प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण होता है साइटोप्लाज्म में। यदि हम यूकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में देखें, विशेष करके प्रोटीन का जब संश्लेषण होता है, प्रोटीन का संश्लेषण विशेष करके कोशिका विभाजन के शुरुआत में जब इंटरफेस होता है उसी समय ये क्रिया होती है, ताकि आने वाली जो जनक संतति कोशिकाएं हैं उन संतति कोशिकाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन कोशिका के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो एक्टिवेशन की प्रक्रिया और अनुलेखन अनुलिपिकरण की जो प्रक्रिया है ये सिर्फ कोशिका विभाजन के इंटरफेस में होती है, वो भी डीएनए के डुप्लीकेशन का की जो प्रक्रिया होती है जिसको हम एस फेज कहते हैं, उसके बाद प्रोटीन के निर्माण की प्रक्रिया होती है। तो अनुलेखन और अनुलिपिकरण ये दो प्रमुख आधार हैं प्रोटीन संश्लेषण के लिए।